नमस्कार, स्वागत है आपका मंडी खबर स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आज की हमारी खास पेशकश में साल 2024 के लिए पेश किए गए अंतरिम बजट पर बात होगी। साथ ही जानेंगे कि राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ईनैम से अब तक देश भर की कितनी मंडियों को जोड़ा जा चुका है और किसानों के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है। इसके अलावा नजर डालेंगे ज्वार और बाजरे के बाजार भाव पर और जानेंगे इन कृषि जिन्सों की चाल का हाल। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे दो खास मेहमान। कमोडिटी विशेषज्ञ डॉक्टर रवि सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर शिव कुमार, प्रिंसिपल साइंटिस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड इसके साथ ही पॉलिसी रिसर्च। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से इस बजट से कृषि के क्षेत्र को यहाँ पर रफ्तार मिलेगी। और दो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं जो कि ये समझने में हमारी मदद करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आप दोनों का कार्यक्रम में। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बजट में क्या विशेष है और ख़ास तौर पर हम बाज़ार की बात करें, क्योंकि हमने उत्पादकता की बात की, ये भी जाना कि किसानों का जीवन स्तर कैसे बेहतर होगा, लेकिन विशेष तौर पर बजट से बाज़ार को क्या लाभ होगा, इस पर हम आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और आगे आपको बताते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश किया। ये बजट देश के अन्नदाताओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा और इसी मकसद को ये बजट दर्शाता है। बजट में कृषि से जुड़े कुछ अहम पहलुओं पर देखिए हमारी रिपोर्ट। वर्ष 2024-25 के लिए पेश किया गया अंतरिम बजट दर्शाता है कि देश के गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों को सशक्त बनाना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बजट में देश के अन्नदाताओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का सरकार का मकसद परिलक्षित होता है। पिछले कुछ वर्षों में किसानों के कल्याण के लिए एक के बाद एक सरकार की ओर से कई ठोस कदम उठाए गए हैं। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम काफी अहम है, जिसके तहत अब तक 11.80 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हुआ है और बिना बिचौलियों के लगभग 2.81 लाख करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में जमा कराए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से भी लगभग 4 करोड़ किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। इसी तरह किसानों के लाभ के लिए 1361 ई नाम मंडियां शुरू की गई हैं, जिन पर अब तक 3 लाख करोड़ रुपए का व्यापार दर्ज हो चुका है। इस बजट में डेयरी किसानों के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाने और तिलहन पर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक रणनीति बनाने पर भी जोर दिया गया है। आत्मनिर्भर तिलहन अभियान सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। केंद्र सरकार के मुताबिक 2022 में घोषित इस पहल के आधार पर सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसी तिलहनी फसलों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के मकसद से एक रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं केंद्र सरकार एकत्रीकरण, आधुनिक भंडारण, कुशल आपूर्ति श्रृंखला, प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण के अलावा विपणन एवं ब्रांडिंग सहित फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देगी। इसके अलावा मत्स्य पालन को बढ़ावा देते हुए 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल, अभी आपने विस्तृत रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से कृषि जगत हो या फिर पशुपालन हो, इसके अलावा मत्स्य पालन क्षेत्र को लेकर कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर घोषणा इस बजट में की गई है। लेकिन इसका बाजार पर किस तरह का प्रभाव रहेगा, मंडी खबर में हम इसी को बहुत ही सरल और बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर रवि, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, ओवरऑल जब हम कृषि के क्षेत्र की बात करते हैं तो किस तरह से आप इस बजट को आंकते हैं, जिन जिन बातों का अभी यहाँ पर जिक्र किया गया। हालांकि अंतरिम बजट है, जो पूरा बजट है वो जुलाई में आएगा, लेकिन अभी जिस तरह की घोषणाएं की गई हैं उसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये बजट बहुत से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा और उसमें ख़ास तौर से जो फोकस रखा गया वो महिलाओं को और युवा को और
जब जो सबसे ज़्यादा है अन्नदाता जिसे कहा, उनको फोकस में करके ये बजट अभी पेश किया गया है। और पूरे के पूरे अगर बजट को समझें तो किसी के लिए कुछ ना मिला हो लेकिन हमारे किसान भाई बहनों के लिए बहुत कुछ इस बजट में अनाउंसमेंट हुई हैं। जिस तरीके से उपलब्धि की बात की जाए, चाहे किसान सम्मान योजना की बात की जाए, मत्स्य पालन की बात की जाए, फिशरी की बात की जाए, और अब इस तरीके से यानी कि आप जो पैदावार करते हैं उस किसान की इनकम को डबल करने के लिए क्या चाहिए, जब पैदावार हो जाती है तो उसके बाद के प्रोसेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए सरकार ने यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस किया है और इसी को बजट में एलोकेट भी किया है। तो मुझे लगता है कि अवसंरचना कोष है उसको भी लेकर के कहा गया है, उसमें भी राशि बढ़ाई जाएगी। सर मैं अब आपसे समझना चाहूंगी कि जैसा कि हमने देखा कि रिसर्च एंड इनोवेशन को लेकर के भी सरकार का काफी फोकस है और आप कितने भी प्रयास कर लें लेकिन जब तक आप रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस नहीं करेंगे, उससे और ज्यादा मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आपको पूरी तरह से वो परिणाम नहीं मिल पाएंगे जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। जो रिसर्च एंड इनोवेशन को लेकर इस बजट में घोषणा की गई है, इससे किस तरह का लाभ होगा? और ख़ास तौर पर हालांकि इस घोषणा में ये नहीं कहा गया कि ये कृषि के क्षेत्र के लिए है या किस क्षेत्र के लिए है, लेकिन ओवरऑल जब इसे हम देखें तो कृषि के क्षेत्र को इससे क्या मिलेगा? इसका खास बात यही है, इसमें करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया गया है, उसमें से कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर में भी आएगा, खास करके स्टार्टअप और जो ये टैक्स सेवी बच्चे हैं, जो ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनकी भूमिका को अहम बनाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ये प्रोविज़न किया गया है। और इसमें खास बात ये है, ये लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है जिसमें इंटरेस्ट ना के बराबर है या बहुत कम है। दूसरा मैं बताता हूँ आपको, ICR में ये करीब करीब 413 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा पिछले साल के मुकाबले ICR को किया गया है, और ओवरऑल मिनिस्ट्री का बजट भी, ओवरऑल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का बजट भी करीब करीब 2,000 करोड़ रुपये पिछले साल के मुकाबले बढ़ाया गया है। खास बात ये है, रिसर्च का क्या इम्पोर्टेंस है, रिसर्च के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है खेत की वो यील्ड ग्रोथ से आएगी, एरिया से नहीं आएगी, क्योंकि एरिया रुक गया है, एरिया इस आगे नहीं बढ़ सकता है। जी, जी, जी। अभी जो भी कुछ ऑप्शन निकलना है वो सिर्फ यील्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, यील्ड के द्वारा, अच्छी वैरायटी, उन्नत वैरायटियों के द्वारा ही वो बन पाएगी। जी, जी। एक छोटा मैं एग्जांपल कोट करता हूँ आपको, जब हम रिसर्च किया है इसके ऊपर, अगर 1 रुपया हम जो फील्ड क्रॉप्स हैं उसमें रिसर्च में लगाते हैं तो करीब करीब 12-13 रुपया सोसाइटी को वापस मिलता है, 1 रुपया लगाने से 12-13 रुपया। उसी को हम अगर लाइव स्टॉक में करते हैं तो उसका रेट करीब करीब 3 गुना हो जाता है, यानी कि आप उसको मानिए 1 रुपया लाइव स्टॉक में लगाया तो करीब करीब 30 रुपया वापस सोसाइटी को आता है। जी जी। ऐसे ही एक्सटेंशन एक्टिविटी है, उसमें भी अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो करीब करीब 7 रुपये का रिटर्न सोसाइटी को मिलता है। तो आप इसे समझ सकते हैं 1 रुपया खर्च करने से सोसाइटी को क्या मिलता है, ये रिसर्च की इम्पोर्टेंस को शो करता है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर रवि, जैसा कि हमने ये भी देखा कि ख़ास तौर पर तिलहन को लेकर बात की गई कि अभी भी हमें तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए काफ़ी प्रयास करने होंगे और हर बजट में कुछ ना कुछ तिलहन को लेकर के घोषणाएँ होती हैं, और इस बार भी इस बार कहा गया है कि अच्छे बीज हो, गुणवत्ता युक्त प्रजाति वो किस्में हो, इसको लेकर काफ़ी काम करने की आवश्यकता है ताकि हम तेल को लेकर विदेशों पर किसी भी तरह की आसरा की उम्मीद ना करें और हम सेल्फ सफिशिएंट हो। इससे बाज़ार, इस घोषणा का बाज़ार पर किस तरह का प्रभाव रहेगा, और हम जो ऑयल में, खाद्य तेलों में निर्भरता की बात कर रहे हैं, कहाँ तक इससे हम आगे जा पाएंगे? देखिए अंजू जी, इससे आप समझिए, इससे पहले हम दलहन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे और मोदी जी की सरकार ने जब दलहन पर जोर दिया तो जो आज हमारी दाल की प्राइसेस स्टेबल हैं, किसानों के लिए तो MSP बढ़े ही बढ़े हैं, लेकिन साथ में आपको यहाँ पर अब निर्भरता कम हुई है। पहले हम इम्पोर्ट करते थे, अब ऐसी स्थिति है कि हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता। तो ये ज़रूर है कि सरकार के उस कदम का एक साफ साफ यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। यही सेम चीज़ अब इस बार के बजट में तिलहन को लेकर को देखने को मिल रही है, क्योंकि हम 60% करीब जो खाने का तेल है उसको आयात करते हैं और उसमें एक बड़ा पैसा खर्च होता है। तो सरकार की जो कोशिश है वो यही है कि यहाँ पर हम जो पैसा है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम अगर रिसर्च करते हैं तो सोसाइटी में जो पैसे वापस आते हैं, इसका मतलब है कि अगर हम
इन फसलों को बढ़ा सकते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी बाहर कम हो जाएगी और हमारे किसान भाई बहनों की जो इनकम है वो यहाँ पर कई गुना बढ़ पाएगी, तो उसका फायदा यहाँ पर मिलेगा। और इस बजट में भी जो खाने के तेलों को लेकर फोकस किया गया, क्योंकि आत्मनिर्भरता अगर हो गई तो हम किसी भी कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। अब 60% इस समय इम्पोर्ट किया जा रहा है तो सरकार को उसकी वजह से हमारे डॉलर पाम ऑयल ज्यादा है जो हम अपने देश में ला रहे हैं बाहर से तेल। डॉक्टर शिव, आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं किस तरीके से आपने कहा कि जो बीज हैं उन्हें और बेहतर किया जाए, उस पर रिसर्च हो रही है, डेवलपमेंट हो रहे हैं, तमाम तरह के अनुसंधान हो रहे हैं, तो क्या तिलहन को लेकर के भी किसी तरह के कार्य किए जा रहे हैं और इस फंड से इसको किस तरह से गति मिलेगी? हाँ, आप देखिएगा, जब पल्स प्रोडक्शन होता है किसान के खेत में बन गया और वो जब बॉम्बे में जो कंज्यूमर बैठा है उसके प्लेट में जाता है, तब तक इस पूरी प्रोसेस में सप्लाई चेन में वो दाल करीब करीब 9 या 10 टाइम्स हाथ बदलती है, यानी कि 9-10 बिचौलिए भी इसमें होते हैं जी। आप देखिए, हर स्टेज पे उनकी कॉस्ट का ऐड होना, लागत का ऐड होना और उनका प्रॉफिट ऐड होना। वही दाल जो 30-35-40 रुपये किलो किसान के खेत से उठती है, कंज्यूमर को 150 रुपये किलो मिलती है, तीन गुना। इसके लिए इस बजट में बहुत इंटरेस्टिंग काम किया गया है। उसमें क्या किया गया है, जैसे ये प्रोग्राम है इसका नेफेड है एक साइड में, एक तरफ एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव बनी है कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के द्वारा, इधर जितनी भी आपकी एफपीओ हैं, जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, कंपनीज हैं, वो सभी को एक पोर्टल दिया जाएगा, उस पोर्टल में रजिस्टर करवाना है। इधर से नेफेड प्रक्योर करेगी, इसकी कंडीशन यही है, MSP मिनिमम प्राइस होगा जिस पर किस खरीदी जाएगी, जो भी रजिस्टर करवाएगा या उससे ज्यादा रेट है मार्केट में तो उसे खरीदी जाएगी। जो विपणन और ब्रांडिंग को लेकर वित्त मंत्री ने कहा, आपका उस तरफ आपका इशारा है, वो आप कहना चाह रहे हैं कि विपणन को सुदृढ़ किया जाएगा और बेहतर किया जाएगा, नए चैनल्स खोले जाएंगे किसानों के लिए। या इसकी खास बात यही है, जो ये बीच में इतना ज्यादा मार्जिन होता है उसको कम करके वहीं से नेफेड के द्वारा प्रोक्योर किया गया और वहीं से डिमांड कंज्यूमर साइड से आए और वहीं वो डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी कि किसान को भी रेट मिले एक रीजनेबल और कंज्यूमर को भी वो सस्ती मिले जी, जी। बीच का है जो अनवांटेड मिडल मैन है वो हटे रास्ते से जी, बिल्कुल। तो यानी जो बिचौलियों की एक लगातार बात की जाती है, सरकार भी यही कहती है कि किसान का जो काम है कि ज़्यादा अच्छी फसल उगाए, ज़्यादा उगाए, वो हो रहा है, उत्पादकता में कमी नहीं है, आवश्यकता यह है कि किसानों तक उसका शेयर पहुँचे, उसका लाभ पहुँचे, और इसीलिए विभिन्न तरह की ऐसी प्रणालियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं ताकि किसान, चाहे हम ई नैम की बात करें या फिर हाट बाज़ार जो अलग अलग तरह के सरकार की तरफ से आयोजित किए जाते हैं, MSP अपने आप में है ही। अब मैं सर आपसे जानना चाहूँगी, डॉक्टर रवि, जो एक चीज़ और हमने देखी, विपणन और ब्रांडिंग की बात की गई और इसी के साथ ही ये भी कहा गया कि इससे प्राइवेट प्लेयर्स ज़्यादा आएंगे, यानी एक PPP मॉडल को भी और प्रचारित करने का या फिर उसके साथ साझा प्रयास के साथ किसानों को लाभ मिले, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि PPP मॉडल जो है, जो प्राइवेट हम बता रहे हैं कि एक उनका भी सहयोग रहे, वो ऑलरेडी चल रहा है, इसे और कैसे व्यापक बनाया जाएगा? देखिए, हम मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी आपने ई नाम मंडी के डेटा देखे, 1300 के करीब जो है वो ई नाम मंडियों से अटैच किया गया, उसका फ़ायदा सीधे सीधे किसान भाई बहनों को मिल रहा है। पहले बहुत मुश्किल था, अगर आप आगरा में बैठे हैं तो आप कानपुर की मंडी का, दिल्ली की मंडी का या छोटी छोटी जो मंडियाँ वहाँ के रेट समझ पाना या अपने स्टॉक को वहाँ पर पहुँचाना एक बहुत डिफ़िकल्ट काम था। अब सबसे पहले किसानों की इनकम किस तरीके से डबल हो सकती, एक तो पहली पैदावार बढ़ जाए, दूसरी उनकी फसल सही मार्केट सही मंडी पे बिक सके, और इस प्रोसेस को आसान करने के लिए ही सरकार ने अब एग्रीकल्चर के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे कि आपने देखा कि एग्रो मरीन की बात की गई, यहाँ पर इस बात का फोकस किया गया। आपको एक एग्जांपल और भी यहाँ पे देता हूँ, कुछ साल पहले जब आपने देखा होगा कि खाद के लिए इतनी लंबी लाइनें लगती थी, आजकल DAP की अब इसकी कहीं चर्चा नहीं होती, या फिर एक छोटी सी बॉटल से भी आपका काम चल रहा है, ये रिसर्च का एक बड़ा अचीवमेंट है। तो इन सब चीजों पर वर्क होने के बाद अब पैदावार के उस प्रोडक्ट को सही जगह पे सही मंडियों तक पहुंचाना, जिससे कि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, तो उसमें थोड़ी सी जरूरत है प्राइवेट प्लेयर्स की,
थोड़ा सा, क्योंकि इतना कुछ जो है वो सरकार कर रही है, तो उसमें अगर आपने रेलवे को आप देखे जितना सक्सेसफुल हुए हैं या अदर आप देखे तो उसमें इतनी सक्सेसफुल मिले, तो कहीं ना कहीं से सरकार इस तरीके से सोच रही है कि किसान भाई बहनों की यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनकम को फोकस किया जा रहा है कि उनकी इनकम को डबल ट्रिपल किया जा सके। लेकिन सबसे ये डबल करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ये भी चैलेंज है कि इन्फ्लेशन भी ना बढ़े, आम आदमियों को उससे कोई घबराहट ना हो, तो ये सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल है। सामंजस्य भी बिठाना है कि उपभोक्ता को भी उचित दाम पर चीज़ें मिलती रहे, उत्पाद मिलता रहे, और वहीं दूसरी तरफ जो हमारे किसान हैं उन्हें भी किसी तरह का लाभ ना हो, उन्हें भी अपनी मेहनत का फल मिले, और इसी बैलेंस को बिठाने के लिए सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की, कहीं मत जाएगा, बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें बजट स्पेशल मंडी खबर। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं नहीं नहीं, उपाय है, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं, और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक, खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट स्पेशल मंडी खबर, और बुलेटिन के हिस्से में आगे हम कार्यक्रम में बात करेंगे ज्वार के बारे में, ज्वार के बाजार भाव की चाल क्या है, इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी पुलकित के पास। पुलकित शुक्रिया जी, आपका धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। चलिए आप जानते हैं कि बीते एक महीने के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव की क्या स्थिति रही। तो बताते हैं कि जनवरी महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले जो राज्यों में इसके भाव में उठा पटक देखने को मिली है। जनवरी महीने के पहले हफ्ते के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3,615 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं दूसरे सप्ताह के दौरान ज्वार के भाव में नरमी आई और भाव 193 रुपये पर लुढ़क कर 3,422 रुपये क्विंटल आ गया। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 37 रुपये चढ़कर 3,459 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। वहीं जनवरी महीने के चौथे हफ्ते की अगर हम बात करें तो यहां ज्वार के सौदों में बढ़त देखने को मिली और भाव 32 रुपये मजबूत होकर 3,491 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। जनवरी महीने के दौरान ज्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की अगर हम बात करें तो राजकोट मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। राजकोट मंडी में ज्वार के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। एग मार्केट के मुताबिक जनवरी महीने की ही 1 तारीख को राजकोट मंडी में सफ़ेद ज्वार का भाव रहा 4,425 रुपये। 12 जनवरी को इसके सौदों में 175 रुपये की गिरावट आई और भाव हो गया 4,250 रुपये। 19 जनवरी को यहां ज्वार के भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 50 रुपये चढ़कर 4,300 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुँचा। वहीं 31 जनवरी की अगर हम बात करें तो यहां ज्वार के भाव में 125 रुपये की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव 4,175 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। दिसंबर महीने के मुकाबले जनवरी में ज्वार के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली। दिसंबर महीने के दौरान ज्वार का औसत मासिक भाव 3,929 रुपये प्रति क्विंटल था और वहीं जनवरी महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 489 रुपये की भारी गिरावट आई
और भाव 3,440 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में ज्वार के बाजार भाव पर क्या रुख रहेगा, एक बार फिर से अपनी सहयोगी अंजू जी का रुख करते हैं, जो कि खास एक्सपर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से रुख करते हैं अंजू जी का। शुक्रिया पुलकित, और आपने पूरे ट्रेंड के बारे में बताया, ज्वार का ट्रेंड क्या रहा, और आगे भी हम आपसे जानेंगे कि जो अन्य जीन्स हैं उनका ट्रेंड क्या रहा। लेकिन पहले हम ज्वार पर अभी हम बात कर लेते हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रवि, किस तरीके से देखते हैं ज्वार के बारे में। हमने देखा कि कभी कभी उतार चढ़ाव भी इसमें पूरे समय देखा गया, कभी स्थिर भी रहे भाव, ये किस तरफ इशारा करता है बाजार को लेकर। देखिए, फिलहाल तो ज्वार के दामों में अभी एक सीमित दायरा ही देखने को मिल रहा है। मंडियों पे बहुत ज़्यादा जो है वो आवक या फिर बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं देखने को मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 15 से 20 दिनों तक अभी भाव जो है वो एक सीमित दायरे में बने रहेंगे। यहाँ पर जो अभी भाव हैं उनमें बहुत बड़ी गिरावट के संकेत नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन आने वाले 3 से 4 महीनों के लिए अगर लंबा विज़न लेते हैं तो थोड़े से ज्वार के दामों में एक तेज़ी का ट्रेंड बन सकता है। और जब बजट के बाद से थोड़ी सी कहीं ना कहीं से एग्री कमोडिटीज़ की जो चाल है वो अब ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, तो जैसे कि आपने बताया कि आगे भाव ट्रेंड ऊपर जा सकता है, फिलहाल जो स्थिति बनी वो स्थिरता की ओर ज़्यादा इशारा कर रही है। डॉक्टर, अभी आने वाले समय को लेकर जैसा कि आपने कहा कि भाव थोड़े आगे जा सकते हैं, तो किसानों के लिए क्या यहाँ पर थोड़ा इंतज़ार करना बेहतर रहेगा? अगर वो इंतज़ार करें तो क्या 1 महीने 2 महीने कितने समय में या किस महीने में भाव में हम थोड़ी बेहतरी देख सकते हैं, ताकि उसी के अनुसार हमारे किसान योजना बना सकें? देखिए, फिलहाल तो अगर आपको अभी स्टॉक निकालने की जल्दी नहीं है तो 3 महीना रुकना ही ज़्यादा समझदारी होगी। और मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ से दामों में कम से कम 7 से 8% की तेज़ी देखने को मिलेगी, और उससे कहीं ज़्यादा भी यहाँ पर अभी संभावनाएं दिख रही हैं। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, और आने वाले 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद आप जो है वो मंडी का रुख कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, तो यानी थोड़ा इंतज़ार करें किसान, और आने वाले 1-2 महीने में आप बता रहे हैं, तो किसान भी बाज़ार पर नज़र रखें और हमारा मंडी खबर तो देखते रहें, जिसमें हम आपको लगातार जानकारी देते रहते हैं कौन सी जींस के भाव किस दिशा में जा रहे हैं। डॉक्टर शिव, अब हम जैसे मोटे अनाज के बारे में विशेष तौर पर मंडी खबर में पूरा एक सेगमेंट रखते हैं, आपको क्या लगता है मोटे अनाज को लेकर जो मिलेट्स हैं, श्रीअन्न है, सरकार की तरफ जो कदम उठाए गए हैं उसका किस तरह का प्रभाव रहेगा? और ये पूरा जो बीता साल है वो तो हमने मिलेट ईयर के तौर पर मनाया, अब इस साल में मिलेट्स को लेकर किस तरह का भविष्य आप देख रहे हैं और बाज़ार कैसा रह सकता है इनका? आप देखेंगे, जब से मिलेट ईयर डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने और अन्नश्री प्रोग्राम चलाया है, उसकी ये महत्ता है कि मिलेट्स खाने से कैसे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके शरीर में है। जैसे वीट खाते हैं तो उसमें एक प्रोटीन होती है जो खाने में 50-55 साल से ज़्यादा उम्र के आदमी हैं उनके लिए वो एलर्जिक होती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वहीं आप बाजरा या दूसरे मिलेट्स हैं वो खाते हैं तो आपका बाउल पेट बिल्कुल साफ रहता है। ये अनुभव कंज्यूमर साइड से किया गया है और गवर्नमेंट ने भी इसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया गया है, इससे इसकी डिमांड बढ़ी है। मिलेट्स का रेट भी अच्छा है और पीछे से सप्लाई की प्रॉब्लम है, इवन एक्सपोर्ट की डिमांड भी है, लेकिन हमारे पास वो व्यवस्था नहीं बन पा रही है उसको किया जाए। लेकिन जैसा ट्रेंड सेटअप हुआ है उसके अनुसार आने वाले टाइम में भाव तो अच्छा मिलेगा ही, प्रोडक्शन भी बैक साइड से इस साल देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले बड़ी है, बिल्कुल बड़ी। और एक्सपोर्ट एंगल से भी हम उस साइड में जाएंगे, भविष्य बहुत अच्छा है जी, बिल्कुल। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि देखिए मिलेट्स का रकबा भी बड़ा है, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, जो ये तमाम हम मिलेट्स या श्री अन्न के तौर पर जानते हैं, इनका बाजार भी और व्यापक होता जा रहा है, और अब विभिन्न तरह के उत्पाद भी बाजार में उपलब्ध है जिससे हमारे अल्टीमेटली किसानों को ही लाभ हो रहा है। चलिए अब एक और जो मिलेट है उसके बात कर लेते हैं बाजरा के बारे में, बाजरा का ट्रेंड क्या रहा इन दिनों, आइए एक बार फिर से मेरे सहयोगी पुलकित के पास चलते हैं। शुक्रिया अंजू जी, तो अब बात करते हैं मंडी खबर में हम बाजरे की, तो इन दिनों बाजरे के भाव की चाल क्या है और बीते 1 महीने के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे, इस पर नजर डालते हैं। आप देख रहे हैं कि जनवरी महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके सौदे उठापटक के साथ हुए। जनवरी महीने के पहले हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,493 रुपये प्रति क्विंटल था। दूसरे सप्ताह के दौरान बाजरे के भाव में तेजी आई और भाव 237 रुपये चढ़कर 2,730 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में गिरावट देखने को मिली और भाव 369 रुपये लुढ़क कर 2,361 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया।
वहीं जनवरी महीने के चौथे हफ्ते की बात करें तो यहां बाजरे के सौदों में बढ़त देखने को मिली और भाव 84 रुपये चढ़कर 2,445 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। जनवरी महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। अलीगढ़ मंडी में बाजरे के भाव में घटत और बढ़त रही। एग मार्केट के मुताबिक जनवरी महीने की 1 तारीख को अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 2,270 रुपये। तो वहीं 12 जनवरी को इसके सौदों में 20 रुपए की नरमी आई और भाव 2,250 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं 19 जनवरी को यहां बाजरे के भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव वापस से 2,270 रुपये पर आ गया। अब 31 जनवरी की अगर हम बात करें तो यहां बाजरे के भाव में 30 रुपए की तेजी आई और भाव 2,300 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। दिसंबर महीने के मुकाबले जनवरी महीने में बाजरे की औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिली। दिसंबर महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2,791 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं जनवरी महीने के दौरान बाजरे के सौदों में 125 रुपये की गिरावट आई और भाव 2,666 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में बाजरे के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर एक बार फिर से अपनी सहयोगी अंतु जी का रुख करते हैं जो कि बाजार के एक्सपर्ट के साथ मौजूद हैं। शुक्रिया पुलकित जी, और आपने बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया कि क्या स्थिति रही बाजार में, पूरे महीने का ट्रेंड बताया और ख़ासतौर पर इस महीने के नए साल जनवरी के पहले सप्ताह में भी हमने देखा। सर देखा हमने कि बाजरे के भाव इसमें गिरे हैं। हमने देखा कि जो दिसंबर में ट्रेंड था उससे जनवरी आते ही इसमें गिरावट आई। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, क्योंकि हम देखते हैं साल के अंत में आमतौर पर भाव मोटे अनाज के बढ़ ही जाते हैं, लेकिन जनवरी आते हम देख रहे हैं इसमें गिरावट आ रही है। आगे स्थिति क्या रह सकती है बाजार की? देखिए, थोड़ा सा जनवरी फरवरी इन महीनों में थोड़ी सी गिरावट का ट्रेंड देखने को मिलता है। जनरली वैसे दिसंबर में बढ़त देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा आवक यहाँ पर देखने को मिली जिसकी वजह से इसके दामों में थोड़ा गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन किसान भाई बहनों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके दामों में एक तेज़ी का रुख दिखाई देगा। जो आपने एवरेज भाव अभी 2300 देखा है, ये 2450 और 2500 के लेवल जल्दी छूते हुए नजर आएंगे। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आगे डिमांड इसके निकल कर यहाँ पर और देखने को मिल सकती है। खासतौर से मंडियों में जो आवक है वो अब स्टेबल है, तो मुझे लगता है आगे इसके दाम थोड़े से बढ़ते हुए से नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, तो अभी मंडियों में दाम जो है स्टेबल हैं, स्थिर हैं, और जैसा कि डॉक्टर रवि कह रहे हैं कि किसानों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य रखें, भाव फिर बेहतर होंगे। तो ऐसे में बेहतर कब तक होंगे, एक तो ये हमें बताएं कि क्या 1-2 महीने का इंतज़ार करना होगा किसानों को, और किस तरह की योजना होनी चाहिए? क्या अभी स्टॉक रोक लें, या फिर थोड़ा रोक कर निकालें, या फिर 1-2 महीने पूरा इंतज़ार करें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है अभी 1 से 1.5 महीने तक स्टॉक को थोड़ा रोक कर रखना चाहिए, और किसान भाई बहनों को अच्छे रेट मिल सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर मंडी का रुख करें। और चूंकि डीडी किसान के आप लोगों को बार बार हम लोग यहाँ पर प्राइसेस का अपडेट देते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। मुझे लगता है अभी 1 से 1.5 महीने यहाँ पर रुकना चाहिए। बिल्कुल, तो 1 से 1.5 महीने का इंतज़ार यहाँ पर किसान कर सकते हैं। अब डॉक्टर शिव, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि हम मोटे अनाज के बाज़ार के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ मोटे अनाज की प्रोसेसिंग और इसे और कैसे खाने योग्य बनाए, इस पर भी लगातार अनुसंधान किए जा रहे हैं, कार्य किया जा रहा है, इस बजट के बाद इस क्षेत्र में भी और कुछ सुधार और बेहतरी होगी? इस एरिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है काम करने का, और गवर्नमेंट का भी पूरा जोर है इसमें। FPO, स्टार्टअप और जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्पेशली वुमेन का, ये बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको प्रमोट किया जा रहा है। और जिस तरह के बाई प्रोडक्ट्स ये बना रहे हैं, बाजरे के बिस्कुट देखेंगे आप, अलग अलग प्रोडक्ट हर चीज़ के आप देखेंगे, जब आप वैल्यू एडिशन करते हैं तो बाजरे का रेट है और उसके बाद बिस्कुट बनता है उसका रेट देखिएगा आप, ताजू मानेंगे, कॉस्ट बहुत कम है, प्राइस बहुत ज़्यादा है। इस तरह की चीज़ें मार्केट में डिमांड है, और इस तरह के प्रोसेसिंग होने से, वैल्यू एडिशन से, इस तरफ फार्मर की इनकम को बढ़ावा मिलेगा। जी बिल्कुल, तो जो हमारे किसान हैं उनकी आय बढ़ेगी, उसे बढ़ावा मिलेगा, चाहे वो मिलेट्स का क्षेत्र हो, दलहन हो या तिलहन हो, सभी पर सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और इस पर काफ़ी फोकस है। सर एक चीज़ और हमने देखा कि कटाई उपरांत
अभी भी उस तरह की हैंडलिंग फसलों को लेकर नहीं होती है और बहुत सारा लॉस हमारे किसानों को हो जाता है, ये बात हम सभी जानते हैं। यानी फार्म टू प्लेट तक पहुंचने के बीच में काफ़ी लॉस होता है। सर, जो इसमें भी आपको लगता है कि कुछ और किए जाने की आवश्यकता है? इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। करीब करीब हमारा जो फूड प्रोडक्शन है उसका एस्टीमेट देखेंगे तो करीब करीब 30% के आसपास लॉस होता है। 30% वही लॉस अगर किसी भी तरह से बचा करके लोगों के पेट में जाए या उसका वेल्थ बने तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना हम सेव कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके लिए ज़रूरत यही है, ख़ास बात सीजन के अनुसार, क्योंकि बहुत सारे ग्रेन ऐसे होते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक यानी कि मॉइस्चर हवा में है तो वो उसमें चीते आना, रंग बदलना, ये मॉइस्चर अब्जॉर्व कर लेते हैं, सोख लेते हैं, उसकी वजह से उनकी क्वालिटी गिर जाती है। उसके अलावा हैंडलिंग की बहुत ज़रूरत है। इसमें तो एक इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन सिस्टम आना चाहिए पूरा का पूरा, और इसमें बैक एंड में जो होता है सारा इन्वेस्टमेंट, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग का, जो ही उसका मॉइस्चर निकल करके किसी भी बाई प्रोडक्ट में डालोगे वो ड्यूरेबल बनता है, यहाँ से फार्मर की इनकम बढ़नी शुरू होगी। ये बिल्कुल। और मिलेट्स में भी देखिए, सबसे बड़ी समस्या मिलेट्स के बाजार को और विस्तृत करने या फिर किसानों को लाभ पहुंचाने में जो आ रही है वो ये कि इसकी शेल्फ लाइफ उतनी ज़्यादा नहीं होती है। आप उन्हें जैसे हम गेहूं के आटे की बात करें तो उसे लंबे समय तक आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मिलेट्स के आटे को बहुत लंबा नहीं स्टोर कर सकते हैं। सर, इस पर भी मुझे लगता है थोड़ा सा कार्य और किया जा रहा है। इसमें जो नेचर है प्रोडक्ट की वो तो नहीं बदल पाएंगे क्योंकि वो रिसर्च के थ्रू ही हो सकती है, लंबा प्रोग्राम है। इसमें जो स्टोरेज टेक्नोलॉजी है, जो ट्रांसपोर्टेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जहाँ से उठाया है, आगे रखा है, किस कंडीशन में रखा है, किस हालात में है, ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। ये सब होने से इसका ये है कि आपका जो सेल्फ लाइफ है वो लंबा रहेगा। है इसका वो और बेहतर किया जाए, कम समय में कम देरी से जो एक जगह से प्रोडक्ट दूसरी जगह पहुंचे और बाजार तक पहुंचे, उपभोक्ता के घरों तक पहुंचे। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ANM के बारे में जानेंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें बजट स्पेशल मंडी खबर। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट स्पेशल मंडी खबर और आइए बात करते हैं ANM यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार की। ANM की बात करें तो देश भर में किसानों और ख़रीदारों को जोड़ने वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किसानों को उनकी फसल की गुणवत्ता के आधार पर बेहतर भाव मिलता है। ANM पर लगातार मंडियों का विस्तार हो रहा है जिससे आने वाले समय में बड़ी संख्या में किसानों को फ़ायदा पहुँचेगा। आइए देखते ANM पर हमारी ये रिपोर्ट। पिछले कुछ वर्षों में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। सरकार की ओर से ANM के रूप में देश के लाखों किसानों को एक बेमिसाल तोहफा दिया है। ANM यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार देश भर के किसानों और खरीदारों को जोड़ रहा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किसानों को उनकी फसल की गुणवत्ता के आधार पर ज्यादा से ज्यादा भाव मिलता है। अब तक देश भर की 1,360 से ज्यादा मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ANM से जोड़ा जा चुका है। ANM ने पारंपरिक मंडी व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। मौजूदा मंडी व्यवस्था में किसान अपनी नजदीकी मंडी में उपज को बेचने के लिए जाते हैं, वहीं कई ऐसे किसान हैं जिनकी पहुंच मंडियों से दूर है।
साथ ही मंडियों में बिचौलियों का होना भी किसानों के लिए अक्सर एक बड़ी समस्या बन जाती है। ऐसे में राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम इस समस्या को दूर कर किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य दिलाने में मदद कर रहा है। खास बात यह है कि ई नाम से जुड़कर किसान घर बैठे मंडी में कृषि जिंसों के भाव को जान सकते हैं और व्यापारी से सीधे तौर पर जुड़कर अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं। ई नाम ने किसान के मंडी में जाकर फसल को बेचने की मजबूरी को खत्म कर दिया है। इतना ही नहीं, ई नाम के आ जाने से बिचौलियों पर भी किसानों की निर्भरता खत्म हुई है। किसानों की इसी जरूरत को महसूस करते हुए देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 1,360 से ज्यादा मंडियों को ई नाम से जोड़ा गया है। ई नाम पर व्यापार किस तरह फल फूल रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस ई नाम पोर्टल पर अब तक 3,00,000 करोड़ रुपए तक का व्यापार किया जा चुका है। राष्ट्रीय कृषि बाजार पर व्यापार करना काफी सरल है। इसके लिए किसान ई नाम पोर्टल पर पंजीकरण कर अपनी सुविधा के मुताबिक जिस मंडी में चाहें फसल को बेच सकते हैं। तो बिल्कुल, अभी हमने देखी है रिपोर्ट ई नाम पर, और देखिए अब तक 3,00,000 करोड़ रुपए का ई नाम प्लेटफॉर्म पर व्यापार हो चुका है। हालांकि जब इस पूरी स्कीम को लॉन्च किया जा रहा था तब कई तरह की आशंकाएं थी कि क्या किसान डिजिटली इतना अभी एक्टिव है या फिर डिजिटली इतने अच्छी तरीके से मंडियों का इस्तेमाल कर सकेगा। वो तमाम आशंकाएं दूर हो गई। डॉक्टर शिव क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, करीब करीब 1,360 मंडियों को ई नाम से जोड़ा गया है। बिगनिंग बहुत थोड़ी थी लेकिन टारगेट बड़ा अच्छा रहा है, और इसका प्लस पॉइंट यही है जो बिचौलिया आते हैं मंडी में वो जैसे क्वालिटी टेस्ट करते हैं, उठाया सूंगा फेंका और रेट लगा दिया। ये कोई तरीका नहीं है। दूसरा, बीडिंग करते हैं तो ये कपड़ा लिया, उसके नीचे उंगलियां घुसाई, आपस में दो बात करी और रेट छूट गया। ये कोई किसान के लिए अच्छा भाव मिले कोई संभावना है नहीं। किसान का तो उसमें कोई सही ही नहीं था सर, पहले जिस तरीके से आप बता रहे हैं। वो तो जो बिचौलियाँ हैं, जो मंडी है, जो आड़ती है, उन्हीं के वो भरोसे रहता था। इसका प्लस पॉइंट यही है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने से किसान को एक ऑप्शन है, एक मोबाइल पर देख सकता है मेरा रेट क्या चल रहा है। दूसरा, फिजिकल मंडी में क्या था, एक कंसेप्ट है ये फेयर एवरेज क्वालिटी यानी कि औसत गुणवत्ता, जो स्पेशल तरह का प्रोडक्ट है उसका स्पेशल प्राइस नहीं मिलता था। इस मंडी के, इस ई नाम के आने से आपका क्वालिटी टेस्ट हो जाता है, वो क्वालिटी के खास खास जो बेहतरीन एट्रीब्यूट्स हैं, गुण हैं, उसके अनुसार आपको ज़्यादा प्राइस का स्कोप मिलता है। ये ई नाम में प्लस हुआ है। उसके अलावा ये भी एक रास्ता खुलने वाला आने वाले टाइम में, कहीं एक रीजन में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुई है, वहाँ भाव बहुत कम है लेकिन उसकी खपत पूरे देश में है, तो यहाँ से माल हुआ कहाँ, इकट्ठा हुआ कैसे, वो गया, ये एक ज़रूरत है ताकि ये पता लगे कि कहाँ डिमांड है और कहाँ सप्लाई है, मैच हो उसके। ई नाम से ये भी एक प्रोविजन आने वाला है। लॉन्ग रन में महंगाई है इस पर थोड़ा सा, शॉर्ट टर्म में जो महंगाई उठती है खाने वाली चीज़ों में उस पर भी काबू पाया जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर रवि, जो हम इनोवेशन की बात करते हैं, और देखिए चाहे वो हमारे वित्त मंत्री हों या फिर प्रधानमंत्री हों, हमेशा इस बात को ज़रूर रखते हैं सामने कि अब आज का दौर नई तकनीक का दौर है, डिजिटल युग है और कृषि का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। जो प्रयास इस बजट में किए गए हैं जिसमें इनोवेशन की बात की गई है, आपको लगता है कि और ऐसे प्लेटफॉर्म्स, विभिन्न रूप के प्लेटफॉर्म्स आएंगे, जिस तरीके से ई नैम की हम सक्सेस देख रहे हैं, किसानों को और भी इससे लाभ होगा? देखिए, ई नैम के अगर सिर्फ देखा जाए तो ये एक शुरुआत है। जी जी, क्यों शुरुआत है, क्योंकि देखिए इससे पहले हमारे देश में आज देखा जाए तो लगभग ये चीज़ तो शायद मेरे ख्याल से 70 साल पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ई नाम का आप कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका आज इलेक्ट्रॉनिक मेथड हम देख रहे हैं, लेकिन इसका इस तरीके के मेथड को पहले एप्लीकेबल होना चाहिए था। अभी ई नाम का फ़ायदा एक कोशिश है, और इसके बाद अब किसान भाई, जैसे आपने रिपोर्ट में देखा कि लगभग 3,50,000 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हो चुका है, और एक बात
देखे कि ये किसी कॉर्पोरेट के ट्रांजेक्शन से भी कहीं ज्यादा है, और इतना ये पैसा किसको जा रहा है? किसान भाई बहनों को जा रहा है, क्योंकि उनके पास, उनको आसानी से यहाँ पर सौदा करने की जो है वो एक सहायता मिलती है। और दूसरी तरफ है कि इस तरीके के कई प्लेटफॉर्म, अभी तो ये सरकार ने एक शुरुआत की है, आगे सरकार यहाँ पर कई काम कर रही है जिसको लेकर के आपके किसान भाई बहनों की ग्रोथ, या फिर जो आपने अभी बात की थी कि उनकी एक फसल को दूसरी जगह से पहुँचाना, तो अब स्टेप बाय स्टेप आपको ये काम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल सरकार का जो ये कदम है ये एक शुरुआत है, और आने वाले 2025-2026 तक हम इसमें एक नया स्वरूप, नए आयाम यहाँ पर बनते हुए देखेंगे। और इसमें कहीं ना कहीं से सिर्फ किसान भाई ही नहीं, अब जो आपके जो बिचौलिए हैं वो भी अपनी जो परचेजिंग है, या जो उस स्टॉक को सेल करते हैं, या जो वो अपने स्टॉक को रखते हैं दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उस टाइप के लोग भी यहाँ पर आने शुरू। डॉक्टर अभी एक चीज़ और है, मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा पारदर्शिता भी आई है, आत्मनिर्भरता आ रही है, पारदर्शिता आ रही है, और कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी भी है, क्योंकि जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपके फुटप्रिंट्स बनते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी और पारदर्शिता वो भी इससे आ रही है बाजार में। देखिए, सबसे बड़ी बात है जैसा डॉक्टर साहब ने अभी कहा, पहले किसान भाई बहनों के साथ एक तरीके से ये देखा जाए तो ये बिल्कुल वाजिब बात नहीं थी। बेचारा अन्नदाता हमारा, हमारे लिए अन्न भी पैदा करता था, और धुतकार भी होती थी, डांट भी होती थी, उसको सही मूल्य नहीं मिलता था और परेशानी होती थी। लेकिन जब से इस तरीके के स्टेप्स उठाए गए ई नाम को लेकर के, अभी आप देखिए कि जो हमारे वेयर हाउसेस हैं उन पे एक बहुत बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है, और उसको लेकर के साथ ही स्टॉक को इधर से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना और उसको रेलवे के साथ जोड़ने की भी बात चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे कदम हैं जो कि आगे आने वाले समय में आपको यहाँ पर किसान भाई बहनों की जो इनकम की बात की गई थी, खासतौर से मैं फोकस इनकम पर इसलिए बार बार करता हूँ क्योंकि हमारे किसान भाई बहनों को अगर फायदा है तभी वो सही है और सक्सेसफुल है, नहीं तो फिर उनको वहां पर डिमोटिवेशन मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी का फायदा धीरे धीरे देखने को मिलेगा। मैं एक पॉइंट यहाँ पर, आपने मिलेट की जब बात की थी तो वहां पर एक पॉइंट मैं जरूर आपको बताऊं, हमने चॉकलेट के और मिठाइयों के ऐड बहुत देखे हैं, बहुत से लोग उनकी तरफ जाते हैं, लेकिन आज वही चॉकलेट खाने वाले, वही मिठाई खाने वाले लोग अब मिलेट की तरफ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये सरकार ने एक पहला स्टेप उठाया। आज सबको पता है कि मुझे ऑर्गेनिक खाना है, मुझे ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें डॉक्टर का बिल ना बढ़े। तो मुझे लगता है कि ये किसके लिए है, ये हमारे अन्नदाता के लिए है। पहले लोग आज, और इसका ये नहीं है कि ये सिर्फ भारत की शुरुआत है, भारत से अब विदेशों के लोगों को भी ये समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं से अब हमें जो भारत की उपलब्धि है उसको यहाँ पर देखना पड़ेगा, जो वहाँ के किसान भाई बहन पैदा करें उसको देखना मिलेट्स पड़ेगा। मिलेट्स के जहाँ अब बाजार भाव की बात करें वो भी अब काफी बेहतर मिल रहे हैं किसानों को, बाजार भी इसका काफी संगठित होते जा रहा है, विस्तृत हो रहा है। और एक और जो समस्या हम देख रहे हैं कि कई ऐसी फसलें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आपको खाद और पोषक तत्व उसमें झोंकने पड़ते हैं, लेकिन मिलेट एक ऐसी फसल है जो कि बहुत ही आसानी से उगाई जा सकती है और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता। तो सरकार इसी दिशा में किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, जिसकी झलक हम सरकार की तमाम योजनाओं में भी देख रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मत्स्य पालन के लिए इस बजट में क्या है, बने रहे बजट स्पेशल मंडी खबर के साथ। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो, ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचाने और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-11-3060 या 1800-11-3061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6-7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बजट स्पेशल मंडी खबर में। और हमने तमाम पहलुओं की बात की, बाजार पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा इस बजट में, जो घोषणाएं की गई हैं उसका मिलिट्स पर हमने चर्चा की, और साथ ही हमने जाना कि ऑयल सीड्स को लेकर जो घोषणा की गई है इस बार की, उसमें और इन्वेस्ट किया जाएगा और बेहतर बीज किसानों तक पहुँचाए जाएंगे, इसके बारे में भी हमने विस्तृत जानकारी ली। लेकिन आइए अब बात करते हैं हमारे ब्लू रेवोल्यूशन यानी मत्स्य पालन क्षेत्र की, और इसको लेकर के भी सर जैसे कि कहा गया है इस बार बजट में कि 5 एक्वा पार्क्स बनेंगे, पहले तो ये इसका लाभ क्या होगा, और साथ ही मत्स्य पालन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें काफ़ी संभावनाएं हैं, और इस बात को लेकर हमारी जो FMA फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें बीते साल में देखने को मिले, और मत्स्य संपदा योजना में भी फंड और बढ़ाया जाएगा, इसे किस तरह का कदम देखते हैं आप? इसके 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो यही है, इसका जो प्रोडक्टिविटी है एक्वा कल्चर की फिश की, वो डबल करने का प्लान है पर हेक्टेयर। दूसरा, जो हमारी इनलैंड फिशरी है उसमें स्कोप है, लेकिन जो समुद्र के गहराई में जाकर के डीप फिशिंग एक होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ क्या हो रहा है, मछुआरे जाते हैं अपनी बोट लेकर के और बहुत करीब 2 महीने तक वो उस मछली के पीछे ही रहते हैं और फिर आते हैं। इसकी जो कैचिंग कॉस्ट है फिश की, वो हार्वेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है और रिस्की भी है। पता नहीं होता है फिश कहाँ मिलेगी, समुद्र के अपने रिस्क हैं, बहुत मतलब मुश्किल काम है ये। इसमें क्या है, जो ट्रॉलर होते हैं जिसमें वो जाते हैं, वो मॉडर्न होने बहुत ज़रूरी हैं, मैकेनाइज्ड होने बहुत ज़रूरी हैं, ऑटोमेशन पर काम करें, और ऐसे कुछ सिस्टम बन के आए फार्मर को मोबाइल पर पता लगे अब भाई ये फिश अभी समुद्र में इस जगह पर मैक्सिमम है, ताकि वो टारगेट पॉइंट पर पहुंच करके उसको हार्वेस्ट करें और उसको लेके आए। उसके अलावा जो एक्वा पार्क की बात आप कर रहे हैं, इसमें एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने की बात जी, है जी, जी। ये टॉप क्वालिटी एक्सपोर्ट के एंगल से भी है और डोमेस्टिक सप्लाई के लिए भी है। हमारे यहाँ मैक्सिमम स्कोप डीप शिप फिशिंग का है। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई एक्वा कल्चर की, जल कृषि की। डॉक्टर रवि, अब हमने कई पहलुओं पर बात की, बाजार के बारे में भी हमने जाना, अंत में आपके क्लोजिंग नोट्स क्या रहेंगे कम शब्दों में? देखिए, ये बजट हमारे अन्नदाता का बजट है, हमारे गरीबों का बजट है, हमारे महिलाओं का बजट है, और उसका देखा जाए तो ओवरऑल युवाओं का भी बजट है। तो अभी फिलहाल जो इस समय बजट आया वो बहुत अच्छा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जब फाइनल बजट आएगा तो उसमें और बहुत बड़ी घोषणाएं होंगी जो हमारे किसानों को, हमारे महिलाओं को या फिर हमारे युवाओं को फायदा देती हुई नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि, डॉक्टर शिव, आपका भी स्टूडियो में आए और हमारे इस बजट स्पेशल में आपने हिस्सा लिया और हमारे दर्शकों को काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। इसे और सरल तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से इन घोषणाओं का, इन योजनाओं का और इस बजट का हमारे किसानों के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, किस तरह का लाभ होगा। इसी के साथ ही मंडी खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि हमारा एक कार्यक्रम यानी मंडी खबर आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें मंडी खबर। और इसी के साथ यहाँ इजाजत लेंगे आपसे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। अगर आपको समर गार्डन की करनी है तैयारी तो पहले मिट्टी की गुणवत्ता की रखो पूरी जानकारी, क्योंकि मिट्टी का समृद्ध और उपजाऊ होना हमारे लिए बेहद है जरूरी। जानने के लिए देखिए छत पर बागवानी कार्यक्रम 3 फरवरी शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।
नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा कारवां पहुंचा है राजस्थान के भरतपुर और इस वक्त हम सरसों अनुसंधान केंद्र में मौजूद हैं। आज तमाम सवाल हम करेंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। तमाम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोरदार तालियां बजाइए विशेषज्ञों के लिए। सूर्य भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ऋषि श्रृंग मुनि के द्वार पर राजा दशरथ नहीं, भिक्षुक दशरथ नंगे पांव जाएगा। कौशल्या नंदन का नाम केवल दो अक्षर का, किंतु इतना महान कि अनंत ब्रह्मांड उसमें समा जाए। सुखधाम का नाम राम। देखिए हर दिल को छू लेने वाली आपकी अपनी रामायण जल्द ही दूरदर्शन पर। फीसदी किसान जो है छोटे और सीमांत है, इन किसानों की आय बढ़ाने के लिए किस तरह से कदम आप उठा रहे हैं? आज कैप के माध्यम से 50,000 से अधिक किसानों को हमने जोड़ा है, इससे हमारे किसानों की इनकम बढ़ रही है। उत्तराखंड की ज्यादातर भूमि या तो वनों से घिरी हुई है या फिर वेस्टलैंड है। ऐसी परिस्थितियों में कृषि और किसान के हितों को पूरा करने में कितनी चुनौतियाँ आपके लिए हो जाती है? जहाँ हमारे 3 जिले हरिद्वार, देहरादून का नीची का क्षेत्र और उधम सिंह नगर, वहाँ की भौगोलिक स्थिति भिन्न है। देखिए खास मुलाकात उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी के साथ 4 फरवरी रविवार शाम 7 बजे। जी बहुत से चैलेंजेस रहे, लेकिन ये है कि लोकल सपोर्ट मुझे बहुत मिला। खासकर यहाँ के जो युवा लोग हैं, जो युवा जनरेशन है, उनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर क्या खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। इन ताजी जैविक सब्जियों से जुड़ी स्टार्टअप जर्नी को लेकर मैं हिमांशु सिंह सागर आ रहा हूं डीडी किसान पर। देखिए कृषि स्टार्टअप हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। वाव जिंदगी, वाव जिंदगी,
गेट अप थोड़ा बेटर हो पाओ जिंदगी, पर्सनालिटी का जब मैटर हो पाओ जिंदगी, फैशन ही फैशन से भरी पाओ जिंदगी, लाइफ में अपनी स्टाइल हो पाओ जिंदगी, लाइफ में बैलेंस रिदम हो, कलर पैटर्न ब्यूटी और डिजाइन भी इंप्रेसिव जो स्टाइल हो पाओ जिंदगी, होम इंटीरियर साइड हो पाओ जिंदगी, फैमिली संग हो आउटिंग भी जिंदगी, मॉडर्न टाइम्स की लाइफ हो पाओ जिंदगी, पाओ जिंदगी। देखिए वाओ जिंदगी प्रत्येक शनिवार सुबह 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय। पाओ जिंदगी, पाओ जिंदगी, पाओ जिंदगी, वाओ वाओ जिंदगी। गेट अप थोड़ा बेटर हो पाओ जिंदगी, पर्सनालिटी का जब मैटर हो पाओ जिंदगी, फैशन ही फैशन से भरी पाओ जिंदगी, लाइफ में अपनी स्टाइल हो पाओ जिंदगी, लाइफ में बैलेंस रिदम हो, कलर पैटर्न ब्यूटी और डिजाइन भी इंप्रेसिव जो स्टाइल हो पाओ जिंदगी, होम इंटीरियर साइड हो पाओ जिंदगी, फैमिली संग हो आउटिंग भी मॉडर्न टाइम्स की लाइफ हो पाओ जिंदगी, पाओ जिंदगी। देखिए वाओ जिंदगी प्रत्येक शनिवार सुबह 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। हम आप पहुंचे हैं ये जालाहल्ली में, हम आप पहुंचे हैं आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। ये आउटलेट को काफी बढ़िया सा आपने बनाया है, दिख रहा है वाकई ये पिज्जा लाजवाब है। देश की आधी आबादी देश की तरक्की में अब पूरा सहयोग कर रही है। अब अगर किसान का बेटा ही खेती बाड़ी से दूर होना शुरू हो जाए तो खेती करेगा कौन? सबसे आसानी तरीका है खेती पे कुछ करना। What service we can do to the society? स्ट्रगल से न डरें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कृषि स्टार्टअप देखना न भूलें हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो चलिए आज की चर्चा जो है बजट पर होने वाली है। मोदी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। आप खुश हैं? हाँ खुश हैं। किसानों के लिए बेहतर हो रहा है? बहुत बेहतर है। किसान और खेती के क्षेत्र में मोदी की गारंटी पक्की है। खुश हैं आप बजट से? बहुत खुश है मैडम, जैसा बजट हम सोच रहे थे वैसा ही चला है। जुलाई में जो बजट होगा वो किसान के, महिलाओं के, युवाओं के, गरीब के अनुरूप होगा, ये पूरा मेरा विश्वास है। देखिए बजट स्पेशल पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 2 फरवरी शुक्रवार रात 9:30 बजे। बदलते भारत की शान।